डियर स्टूडेंट्स, दिस साइड नीरज चौरसिया फ्रॉम MBBS गुरुकुल। एंड सबसे पहले सबको सॉरी बोलना चाहूँगा, सारे बच्चे सुबह से कॉल कर रहे हैं बट ना मैं ना डॉक्टर अरमान प्रॉपर रिस्पॉन्ड कर पा रहे हैं क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट के बाहर खड़ा हूँ एंड सुनवाई पूरी हो चुकी है। और सबसे पहले आप लोगों के लिए, सबके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। वैसे तो 27th को लेके, क्योंकि सुनवाई पूरी हो गई, जज साहब ने जो फैसला है वो 27th सितंबर के लिए रिजर्व रख दिया, मतलब 27th सितंबर को फैसला सुनाएंगे। बाकी जो हमें पता चला है और जो कंफर्मेशन मिल रहा है तो सबको एग्जम्पशन देने के लिए रेडी हो चुके हैं, पॉजिटिव है। और 110% 27 तारीख को जो जजमेंट, मतलब आज सुनवाई कंप्लीट हो गई, अब सुनवाई नहीं होगी, सुनवाई पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब जो आएगा डिसीजन आएगा वो आएगा 27 सितंबर को, और जो डिसीजन है वो भी हम लोगों को पता चल गया है, जो सारी सुनवाई दलीलें दी गई उसके बाद ये पॉजिटिव हो गया है कि 110% इस साल सारे बच्चों को एग्जम्पशन मिलेगा। तो यही गुड न्यूज़ मैं आप सबके साथ शेयर करना चाह रहा था। बाकी इवनिंग में मैं आपको पूरा प्रॉपरली जो सारी इन्फॉर्मेशन है कैसा क्या रहेगा वो दे के आप लोगों के लिए वीडियो बना के आपको इवनिंग में सेंड करता हूँ। बाकी सारे स्टूडेंट को यही कहना चाहूँगा, बेटा पासपोर्ट का काम नहीं करा है तो गुड न्यूज़ है तुम्हारे लिए, कर लो, क्योंकि आप सब जिस चीज़ का वेट कर रहे थे वो चीज़ हो चुकी है। बस हाँ, उस चीज़ का जो ऐलान है ऑफिशियली जो ऐलान है वो 27th को होगा। तो ऑल द बेस्ट सबको, जल्दी से जल्दी पासपोर्ट अगर नहीं है तो बनवा लो यार, जल्दी करो, क्योंकि ये जो मेहनत थी अपनी रंग ला गई है और हम लोग जीत गए हैं। बस इस जीत का ऐलान जो है 27 तारीख का होगा, ठीक है। जल्दी मैं आपको इवनिंग में दूसरे वीडियो के साथ मिलता हूँ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन फ्रॉम MBBS गुरुकुल फैमिली एंड मी एंड डॉक्टर।